Hello guys, how you doing all? This side your host and your friend Henry is welcoming all of you in your channel Interesting Stories and Facts. So guys, as our channel is growing day by day, the same way I'm trying to grow the content I provide you guys. So from today, I'm going to add another section for our YouTube videos, which will be based on comic book telling. जिसमें कि मैं फेमस कॉमिक बुक्स को वीडियो के जरिए आप सबको दिखाऊंगा। सो आवर फर्स्ट कॉमिक इज बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरी एंड द नेम ऑफ दैट स्टोरी इज डैनियल ओबेस यहोवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डैनियल ने यहोवा का पालन किया। डैनियल चैप्टर 1। जेरूसलम मुसीबत में था। शक्तिशाली बेबीलोनियन आर्मी ने सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था और सिटी को अपने अधीन कर लिया था, और बेबीलोनियंस ने यहोवा के मंदिर से भी खजानों को उठा लिया था, और उन्होंने वहां के कुछ युवा लड़कों को भी उनकी फैमिली से दूर कर दिया था। तो इसी सब के दौरान डैनियल की माँ उससे कहती है कि वो उसको बहुत याद करेंगे, और चाहे वो उनसे दूर हो रहा है लेकिन वो सदा याद रखे कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। इसी दौरान डैनियल का पिता उससे कहता है कि डैनियल हमेशा यहोवा के पास रहना और उसका कहा मानना, यहाँ पर भी तुम होगे। और डैनियल कहता है, जी पिताजी, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। डैनियल और उसके अन्य साथी बेबीलोन में पहुंचते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या वाकई ये जगह असली है, दूसरा कहता है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा है, और तीसरा कहता है कि वाकई ये जगह अद्भुत है। एक कहता है कि यहाँ की दीवारें कितनी बड़ी हैं और यहाँ की मार्केट में सब कुछ बिकता है। उनमें से एक युवक पूछता है कि आखिर ये हमारे साथ करेंगे क्या, और हमें यहाँ लाया क्यों गया है। अगले 3 साल तक बेबीलोनियंस उन लाए गए युवा इजराइलाइट्स को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते रहे। उनके गार्डियन ने उनसे कहा, अब तुम बेबीलोन में हो, और इसीलिए हमारे महान राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें बेबीलोनियंस नाम दिए जाएं और तुम्हें बेबीलोनियन लैंग्वेज सिखाई जाए, और तुम्हें खाने के लिए बेहद ही लजीज और अच्छा भोजन दिया जाए। तो डैनियल ने ये सब देखते हुए कहा कि बेबीलोनियंस अशुद्ध और अज्ञात जानवरों को खाते हैं, और वो यही भोजन अपने भगवान को भी देते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। तो एक लड़का बोला, पर ये तो राजा का आदेश है और हमें इसको ठुकराना नहीं चाहिए। डैनियल बोला कि हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, पर ये सारे कानून इज़राइल के हैं डैनियल, और हम अब बेबीलोन में हैं। डैनियल बोला, पर ये आदेश हमारे पिता परमेश्वर यहोवा के हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हैं। तो लड़का बोला, हमारे माता पिता और पुजारी यहाँ पर नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। डैनियल का एक मित्र बोला कि हम तुम्हारे साथ सहमत हैं डैनियल, और हमें अपने यहोवा के आदेश का पालन करना चाहिए। डैनियल और उसके मित्र हनानिया, मिशाएल और अजारिया ने अपने गार्डियन से बात की, यहोवा हमारे भगवान है और हम उनको खुश करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो डैनियल बोला, अगले 10 दिनों के लिए कृपया हमें वेजिटेबल और पानी ही दें, और फिर देखिएगा कि हम दूसरों से ज़्यादा सेहतमंद हो गए हैं या फिर कमज़ोर। दूसरे लड़कों ने शायद सोचा कि डैनियल और उसके फ्रेंड्स पागल हो गए हैं, क्योंकि राजा उनको बेहद ही बढ़िया लाइफ दे रहा था और खाने के लिए अच्छा भोजन भी। मगर डैनियल और उसके फ्रेंड्स ने डिसीजन ले लिया था कि वो यहोवा का पालन करेंगे, मगर क्या यहोवा उनको आशीर्वाद देगा। और जब 10 दिन पूरे हुए,
और गार्डियन ने डैनियल और उसके फ्रेंड्स को इंस्पेक्ट किया तो उसने कहा, तुम तो बेहद सेहतमंद हो गए हो और तुम दूसरों से अच्छे दिख रहे हो। 3 साल के बाद उन चारों लड़कों को राजा से मिलाने के लिए ले जाया गया। राजा ने उनको दूसरों के मुकाबले अकलमंद पाया तो उसने उनको अपने पास काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। यहोवा भी डैनियल से बेहद प्रसन्न थे। तो जब यहोवा ने राजा को खास सपने दिखाए तो उन्होंने डैनियल को उनको समझने और समझाने में मदद की। यहोवा ने डैनियल को भी वही सपने दिखाए और उनमें से कुछ तो फ्यूचर को बयान कर रहे थे। तो अंत में हम इस स्टोरी से क्या सीखे? क्या डैनियल और उसके मित्रों का विनित होना और यहोवा में विश्वास रखना कठिन हो सकता था? डैनियल क्यों यहोवा का पालन करने के लिए आगे बढ़ा और उसने राजा को क्यों ना कहा? जब आप अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भगवान में विश्वास दृढ़ करवाती है? फाइंड द आंसर एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी नई कॉमिक बुक के साथ। Till then, watch my other videos. Love you all and stay blessed.